बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 11 क्वेश्चन 6 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। सबसे पहले आप 3 लाइनें कंप्लीट कर लें, नेम लिखें, इस सवाल में नहीं दिया सिर्फ ऐसे ही लिख दें नेम, आगे स्टेटमेंट का नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड लाइन पीरियड फॉर द ईयर एंडिंग एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जी, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो है ये 90,000 दिया हुआ है। इसके बाद आएगा परचेजेस, परचेजेस में ये रिटर्न भी नज़र आ रही है तो इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे 180,000 लेस परचेज रिटर्न। ये आ जी 2250, इसको माइनस कर दें ये आ गया 17750। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें, ये वेजेस नज़र आ रहा है, वेजेस 30,000, आगे कैरिज इनवर्ड ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये 2250। एडजस्टमेंट एक डेप्रिसिएशन, एक बैड डेट्स और एक क्लोजिंग स्टॉक, 3 चीज़ें हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहले इधर लिखिए सेल्स, सेल्स है 531,000, इसमें से लेस कर दें सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न है 3,000। अब इसमें से ये माइनस कर दें 528,000 और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है 105,000। अब देख लें कौन सी साइड बड़ी है, इनकम वाली साइड ही बड़ी लग रही है, इसको पहले टोटल करें 528,000 प्लस 105,000 ये आ गया 633,000, 633,000 इसमें से माइनस कर दें 90,000 ये आ गया जी 333,000। ये आंसर आपका मैच कर गया, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे को इधर ले आए, ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट कम थी, तो ये बैलेंस कौन सा आया क्रेडिट, तो इसको आगे जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 333,000। आगे चलें जी, इसमें सबसे पहले ये आएगा डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है 1050। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड 2400, ये इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड 2250, नहीं सॉरी ये डिस्काउंट सिर्फ 2400 है, 2400। आगे चले सैलरीज, ये भी एक्सपेंस है
आगे है जी कैरिज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट, कैरिज आउट इनडायरेक्ट, इनवर्ड ऊपर आ गया आउटवर्ड नीचे, हैं दोनों ही एक्सपेंस, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डायरेक्ट ऊपर इनडायरेक्ट नीचे। 3600 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 30,000। आगे एडवर्टीजमेंट 6,000, लास्ट में है 225 बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। अब आ जाएं आप डेप्रिसिएशन पे, एडजस्टमेंट पे आ जाएं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है और बैड डेट्स प्रोविजन है। तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इसने लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है जी आपकी 240,000। अब डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 6%, तो इसका 6% ले लें, ये आ गया 14,400। इसको इधर लिख लें डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 14,400। दो एडजस्टमेंट हो गई हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमने इधर लिख दिया, ये डेप्रिसिएशन, और तीसरी एडजस्टमेंट है प्रोविजन। प्रोविजन जो है उसने लिखा है बैड डेट्स प्रोविजन टू बी मेंटेन्ड एट ₹1,500। अब इधर जो है पिछले साल की प्रोविजन, यहाँ पे देखें, ये उसने लिखा है बैड डेट्स प्रोविजन, जो एडजस्टमेंट में दी होती है ये न्यू होती, और जो ट्रायल में आ रही है ये ओल्ड, ये ओल्ड प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन है। अच्छा, इसके अलावा कोई और ख़र्चा नहीं है, यानी हमारा फार्मूला था बैड एडिशनल न्यू ओल्ड, ये तीनों जमा और ये माइनस। अब वो क्या है, पिछले साल की जो प्रोविजन है वो पड़ी हुई है 1575, इसके अगेंस्ट कोई ख़र्चा नहीं हुआ, ना बैड है ना एडिशनल है, कुछ भी नहीं है। अब ये हमें बचत होगी, लेकिन अब हमें अगले साल के लिए प्रोविजन चाहिए, न्यू प्रोविजन, तो वो कितनी चाहिए, वो चाहिए 1500। तो पिछले साल की प्रोविजन को अगर हम इसमें यूज़ करें, यानी इसमें से 1500 रख लें, फिर भी हमें 75 रुपये बच जाएंगे, इनकम है। तो अब क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो प्लस वाली फिगर है वो 1500 है, और जो माइनस होने वाली फिगर है वो 1575 है। तो आपका आंसर जो है माइनस में आएगा, तो आपने माइनस में नहीं लिखना, एक रफली पहले थोड़ा सा इसको चेक कर लें। अगर आपका ऐसी सिचुएशन, यानी आपका आंसर जो है नेगेटिव में आए, ऐसी सिचुएशन बन जाए, तो फिर आप इसको इधर ले आएंगे, आप इधर लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, और इसमें से आप लिख देंगे लेस न्यू प्रोविजन, ये आपकी 1575 है, और न्यू प्रोविजन जो है वो 1500 है, तो माइनस करके ये जो 75 रुपये बच गए हैं, आपको बचत हो गया, ये इधर लिख दें, यानी नेगेटिव में नहीं आपने लिखना, आपने ऐसी सिचुएशन में जब आपको सेविंग हो बैड डेट्स की मद में, कि पिछले पैसे जो हैं ज़्यादा रखे हुए हैं और उसके अगेंस्ट कोई ख़र्चा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है कि जिनको आप समझ रहे थे कि ये पैसे नहीं देंगे तो वो दे देते हैं, तो वो फिर आपके जो पैसे संभाल के रखे हैं वो बच जाएंगे। तो ऐसे इसमें भी ऐसे हुआ कि आपने 1575 रखे थे, उसके अगेंस्ट कोई बैड डेट्स नहीं हुआ, आपको अगले साल पैसे रखने की ज़रूरत थी 1500 रुपये, तो 1575 आपने पहले ही रखे हैं, तो जो 75 रुपये वो आपकी इनकम बन जाएगा। ठीक हो गया, अब ये तमाम एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, इसको देखें कौन सी साइड ज़्यादा है, तो ये साइड ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इधर एक ही बड़ी फिगर है 3,33,000 की लिखी है, 333,000 प्लस 2475, ये आ गया 335,475, इसमें से ये माइनस कर दें तमाम,
ये आपका आंसर आ गया 259800, 259800, और ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यहाँ पे रिपीट करता चलूँ, एज ऑन लिखना है, यहाँ पे आपने फॉर द पीरियड नहीं लिखना, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो एक दिन के लिए बनाई जाती है, एक मखसूस दिन को, इसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले आ रहे हैं सन्ड्री डेटर्स, इसको लिखें सन्ड्री डेटर्स, ये है 135000, इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है, तो आप लिखिए लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपने कितनी रखी है ये एडजस्टमेंट में, ये 1500। ये इसके बाद है जी संडे डेटर्स के बाद एक आपका क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 105000, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एट 2700, कैश इन है बैंक 18000। चले जी आगे फिक्स्ड एसेट्स, इसमें आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, इसकी भी डेप्रिसिएशन दी हुई है 240000, इसमें से लेस कर दें डेप्रिसिएशन आ रही थी आपकी 6%, 14400 ये माइनस कर दें, डबल 256000, ये कंप्लीट हो गए। एडजस्टमेंट भी हमने तीनों लिख लें, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स। एडजस्टमेंट पे आपने खसूसी तवज्जो देनी है, कोई मिस ना हो जाए, वरना आखिर में जाकर आंसर टैली नहीं होगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। अभी इधर आए, सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़, इसमें सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 75000, इसी तरह आगे आ जाएंगी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स लाइबिलिटीज़, इसमें सबसे पहले आएगा कैपिटल में 150000 है। अब क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग्स देखें, ड्राइंग्स नहीं है, प्रॉफिट ऐड कर दें, नेट प्रॉफिट आया है 259800।
ये आ गया जी 409800। अब इन दोनों को जमा कर लें, ये बोले 75,000, 484800। इसको देखें 133500 प्लस 05000, फोर एट फोर एट डबल ज़ीरो, दोनों साइडें आपकी बराबर होगी। इसको लिखें टोटल एसेट्स, ये इसको लिखें टोटल लाइबिलिटीज़। ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।